चिंटू तू ये कठिन काम कर सकता है, चिंटू तू हर मुश्किलों से लड़ सकता है, चिंटू तू एक बड़ा यूट्यूबर बन सकता है, चिंटू तुझे जिंदगी में कभी भी गलत काम नहीं करना है और हमेशा अच्छे लोगों की मदद करना है। अभी चिंटू कौन है और चिंटू को कौन है सब काम करने के लिए बोल रहा है? दरअसल चिंटू खुद से बात कर रहा है और खुद को ही ये सब करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि चिंटू जानता है सेल्फ टॉक के फायदे के बारे में। दोस्तों, सेल्फ टॉक एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल हम खुद को सफल बनाने के लिए कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि खुद से बात करना पागलपन की निशानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद से बात करना, खुद को सुझाव देना हमें बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है। अब सेल्फ टॉक देखा जाए तो दो टाइप्स की होती है, पहला पॉजिटिव सेल्फ टॉक और दूसरा नेगेटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में हम खुद को मोटिवेट करते हैं और नेगेटिव सेल्फ टॉक में हम खुद को डीमोटिवेट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं खुद से कहता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये काम करने में सक्षम हूँ, तो ये एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। और अगर मैं खुद से कहता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही बुद्धू और कमज़ोर हूँ, तो ये है नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक से हमारा काम और भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें हमेशा खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने पे ही ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए हमें कुछ समय एकांत में खुद के साथ बिताना चाहिए, ताकि हम खुद को और भी बेहतर तरीके से समझ सके। मेडिटेशन भी एक अच्छा विकल्प है खुद से जुड़ने का और खुद को समझने का। खुद को अच्छी तरह से समझने से हमारा आत्मसंवाद अपने आप बेहतर हो जाता है। कुछ लोग खुद से बात करने के लिए आईने का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत ही असरदार तरीका है सेल्फ टॉक का। तो आप भी सेल्फ टॉक के लिए आईने का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जब आप आईने में खुद को सामने देखेंगे तो खुद से बात करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आईने में खुद की आंखों में आंखें डाल के खुद का हिम्मत बढ़ाइए, फिर आप खुद देखिएगा, आप खुद को शक्तिशाली और उत्साहित महसूस करेंगे।